दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गरबाड़ा पुलिस और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर पुलिस के बीच गरबाड़ा थाने में बॉर्डर मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज मध्य प्रदेश के दाहोद जिले की गरबाड़ा पुलिस और झाबुआ जिले के राणापुर पुलिस के बीच अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक गरबाड़ा पुलिस स्टेशन में आयोजित की गई। इस बैठक में गरबाड़ा PSI JL पटेल के साथ ही मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर थाने के थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी और कुंदनपुर के प्रभारी मोहन सिंह सोलंकी मौजूद थे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो तथा चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आवश्यक चर्चा एवं समीक्षा की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में वही मध्य प्रदेश से लगे दोनों राज्यों के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों से वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही सीमावर्ती गांवों के लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने पर चर्चा की गई। साथ ही चुनाव के समय सीमा क्षेत्र में लिंकर ड्राइव सीमा चेक पोस्ट पर आवश्यक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। जी सर, आज हम हमारे बॉर्डर के जो थाने हैं MP सर जो लगे हुए हमारा थाना राणापुर जिला झाबुआ जो कतवारा और आपका गरवाड़ा थाने के जो भी थाना प्रभारी से उनसे मुलाकात करने आए थे, चुनाव संबंधी चर्चा की गई और भविष्य में भी जो चुनाव होने वाले हैं उस संबंध में जो अपराधी प्रवृत्ति के वारंट फरारी है उनके संबंध में बातचीत की गई और आगे अभी मीटिंग रखी जाएगी चुनाव संबंध में। आपका नाम? शंकर सिंह रघुवंशी, यही राणापुर।